वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आज थोड़ा सा मामला कुछ ये है कि पिछली क्लास में हमने एक थोड़ा सा काम किया था किसके ऊपर, माइनर और कोफैक्टर के ऊपर, और एक हमने निकाला था डिटरमिनेंट निकालना सीखा था हमने। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा और भारी काम हम करेंगे। ये एक आखिरी काम है जो कि मैट्रिसेस के अंदर थोड़ा सा लेंदी है और चीज़ें इसमें भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि भाई आप इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, सॉरी एडजॉइंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एडजॉइंट निकालने के लिए ना दो तरीके के सवालात आपके पेपर में आएंगे, और ये इस साल पेपर में भी आया है, एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना ना, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, वरना फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए फंसेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप थ्योरम से अपनी जान छुड़ाएं, तो आप ये चीज़ें लाजमी करके रखें ताकि आपको थ्योरम के ऊपर ना जाना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, एडजॉइंट के टॉपिक के ऊपर, और एडजॉइंट में हम बात करेंगे 2x2 पे। सही है, फर्स्ट वन इज आपके सामने मौजूद है 2x2, और इसका हमने क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। तो हम यहां पे लेंगे ए इज इक्वल टू 1, 4, 6 और 7, और आपने क्या करना है, एडजॉइंट को कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2x2 का एक आसान सा तरीका होता है कि जो डायगोनल में नंबर है ना, इनकी पोजीशन को चेंज कर दें और बाकी जो दो है ना उनका साइन चेंज कर दें। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। आप लोग सबको मेरी बात क्लियर हो गई भाई? एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, आमने सामने वालों की पोजीशन चेंज करते हैं, और बाकी जो दो चीजें बच जाती हैं उनका क्या चेंज करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, एडजॉइंट कहलाता है 2x2 का। 3x3 एक डिफरेंट दुनिया की कहानी है, और 3x3 आज हम इंशाल्लाह करेंगे। थोड़ा आराम आराम से, आराम आराम से चीजें करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। लंबा काम है लेकिन है आसान, कोई मुश्किल चीज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो, 3x3 के लिए जो है ना, हम यहां पे इसको सपोज करेंगे कि भाई ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2x2, और इसका हमने क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास होता है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। सही है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको बताया क्या रहे, और ऊपर ट्रांसपोज भी होता है। सही है, मैं आपको इसमें ना एक वैल्यू पहले निकाल के दिखाता हूं ये है क्या। पिछली क्लास में हमने कोफैक्टर पढ़ा था, कितने बच्चों को याद है? पिछली क्लास में हमने कोफैक्टर पढ़ा था, कितने बच्चों को याद है कोफैक्टर वाला मामला? पढ़ा था हमने कोफैक्टर। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये कोफैक्टर्स हैं। एक लाइन में तीन है, तीन लाइन है, इसका मतलब कितने कोफैक्टर हो गए भाई, 9 हो गए। मेरी बात को बड़े सब्रो तहमुल से सुनिएगा, क्योंकि ये आप कहीं पे भी पढ़ेंगे ना भाई, करना आपने यही है। अब आपको एक चीज दे दी गई है तो लाजमी सी बात है उसको अटेम्प्ट करना है। अब वो आसान है मुश्किल है बात की बात है वो, लेकिन इसके लिए कोई आपको कोई अजूबा मेथड कोई नहीं सिखाएगा, जो मैं बता रहा हूं वही आपने आगे जाके भी करना है। तो करना क्या है वो जरा सुन लीजिए, कैसे करना है। सबसे पहला एलिमेंट है a11, आप यहां पे लिखिएगा a11, उसके बाद लिखिएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी जो नंबर आप यहां लिखेंगे वो यहां आ जाएगा। और अब क्या करना है, आपने पहली रॉ और पहला कॉलम स्किप करना है, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ पहला कॉलम, देखिएगा जरा, ये आपके पास पहली रॉ पहला कॉलम हम स्किप करने जा रहे हैं। ये बताइए क्या वैल्यू बची, क्या वैल्यू आपके पास बची, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ भाई, क्या बचा, 0 बचा, -2 बचा, -4 बचा और 1 बचा, ऐसे ही है बच्चों। सही है, अब देखो ये बताओ मुझे, -1 की पावर 2 क्या आंसर आएगा, +1 या -1? हाँ भाई, क्या क्या आंसर आएगा, +1 या -1? मैं इसका एक आसान तरीका आपको बता देता हूं। देखिए, -1 की पावर अगर
इवन नंबर है तो पॉजिटिव वन, माइनस वन की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो पहला आंसर आपका माइनस वन की पावर वन प्लस वन यानी कि टू है, तो ये पॉजिटिव का वन बचेगा। और इसको आप करेंगे इस तरह, जीरो वन जा जीरो माइनस और माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा कितना हो गया एट, वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस एट। क्या ए वन वन निकालना सबको समझ में आ गया? ए वन वन निकालना सबको आ गया? जल्दी से बताएंगे सारे फटाफट से भाई। ए वन वन निकालना सारे बच्चों को समझ में आ गया? देखो भाई यही इंपॉर्टेंट चीज है, वरना फिर आगे की चीज है ना फिर मुश्किल लगेंगी आपको। हाँ भाई, आयान, बरीरा, इजान, खतीजा, मनाहिल, माइबा। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आगे चलूं मैं? आगे चलूं? चलो अगली बात करते हैं ए वन टू की। क्या लिखोगे यहां पर? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? माइनस वन लिखोगे और पावर में लिखोगे वन प्लस टू। हाँ भाई, अब कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे? देखो पहला वाला रॉ को बता रहा है, दूसरा वाला कॉलम को बता रहा है। कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे जल्दी से बताओ? कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे जल्दी से? पहली रॉ दूसरा कॉलम, पहली रॉ दूसरा कॉलम। देखो बेटा पहली रॉ छोड़ी दूसरा कॉलम छोड़ा, बताओ क्या बचेगा? पहली रॉ दूसरा कॉलम छोड़ोगे माइनस वन थ्री, माइनस टू और वन। बताओ भाई माइनस वन की पावर थ्री का आंसर क्या आएगा? माइनस वन की पावर थ्री का क्या आंसर आएगा? माइनस वन की पावर थ्री का आंसर क्या आएगा बेटा? माइनस वन। इसको मल्टीप्लाई कराओ, इधर माइनस वन हो गया, इधर मल्टीप्लाई कराओ माइनस सिक्स हो गया, तो ये बन गया तुम्हारा माइनस वन, ये बन गया माइनस वन प्लस का सिक्स, कितना हो गया भाई फाइव, तो आंसर आ गया माइनस फाइव। देखो भाई सही है यहां तक? ए वन टू की वैल्यू निकालना समझ आ गया सबको? ए वन टू की वैल्यू निकालना समझ में आ गया? इजान, खतीजा, हाँ भाई सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। ठीक है अगला चलते हैं भाई, ए वन थ्री। हाँ भाई, कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे? कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे जल्दी से बताओगे सारे? कौन सी रॉ कौन सा कॉलम छोड़ेंगे? पहली रॉ तीसरा कॉलम, तो माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, पहली रॉ तीसरा कॉलम, ये हट गया, तो माइनस वन जीरो थ्री और माइनस फोर। माइनस वन की पावर फोर यानी कि पॉजिटिव का वन, ये कितना हो गया बेटा? माइनस माइनस प्लस और ये जीरो, आंसर आ गया पॉजिटिव का फोर। हाँ भाई सारे बच्चों को यहां तक की बात क्लियर भाई? जल्दी से बताओ फटाफट, सही है क्लियर है यहां तक? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर यहीं पे बाकी छह निकालेंगे, फटाफट नोट करो। हाँ बेटा ये पूरे दस नौ बनाएंगे उसके बाद ये सॉल्व होगा, नोट डाउन हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, फिर यहीं पे हम अगली कहानी शुरू करेंगे। और ये वैल्यूज नोट करते रहिएगा ताकि आपको याद रहे, ताकि फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको। ठीक है चले भाई आगे चलें, नेक्स्ट अगले में चले चलें। देखिए अब अगली वैल्यू आपने निकालनी है ए टू वन की, तो ए टू वन के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ पे लिखेगा आप ए टू वन माइनस वन की पावर टू प्लस वन। हाँ भाई अब क्या छोड़ना है? दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ और पहला कॉलम। बच्चे वैल्यूज बताओ बेटा कौन कौन सी वैल्यूज बचेंगी, दूसरी रॉ और पहला कॉलम। ये दूसरी रॉ ये पहला कॉलम, ये स्किप हो जाएगा, दूसरी रॉ और पहला कॉलम छोड़ दिया। क्या बचा भाई? टू माइनस फाइव माइनस फोर और वन, टू माइनस फाइव माइनस फोर और वन, सही है इस तरह टू माइनस फाइव फोर और वन। देखो भाई यही बचा था, माइनस फोर और वन, सॉरी। अच्छा देखो माइनस वन की पावर थ्री है मतलब माइनस वन आ जाएगा, और ये टू वन सा क्या हो गया टू, माइनस माइनस ये यू और ये यू, फोर फाइव सा कितना हो गया ट्वेंटी। तो बेटा टू में से ट्वेंटी निकालोगे, माइनस एटीन माइनस एटीन माइनस वन प्लस एटीन, ये आ गया ए टू वन, सही है। नेक्स्ट आप निकालिएगा ए टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू, और अब आप क्या छोड़ेंगे? दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम। क्या छोड़ेंगे आप भाई? दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम। देखो इधर
दूसरी रॉ और दूसरा कॉलम, ये हट गया भाई। अब क्या बचा भाई, देखो माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री और वन, तो माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री और वन, ठीक है, माइनस थ्री माइनस फाइव और वन, बिल्कुल सही है। माइनस वन की पावर क्या है बेटा, फोर है, पॉजिटिव हो जाएगा। इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव। माइनस थ्री और थ्री फाइव का क्या हो गया, माइनस फिफ्टीन। देखो भाई पॉजिटिव सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया, पंद्रह में से तीन निकालोगे बारह आंसर आ गया। ए टू थ्री, अब क्या करोगे बेटा, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम। चल देखो, दूसरी रॉ और तीसरा कॉलम क्या बचेगा बेटा, दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, ये बचेगा। दूसरी रॉ अगर तीसरा कॉलम हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, थ्री टू थ्री और माइनस फोर, थ्री माइनस थ्री टू थ्री और माइनस फोर। ठीक है भाई, चलो इसको सॉल्व करेंगे। माइनस वन की पावर फाइव है बेटा, माइनस वन बाहर आ जाएगा, सही है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फोर थ्री था कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया, थ्री टू था कितना हो गया, सिक्स हो गया। माइनस वन और ट्वेल्व में से सिक्स निकालोगे सिक्स, तो ये माइनस सिक्स आ गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ए थ्री वन, ए थ्री वन, ए थ्री वन का मतलब क्या है, तीसरी रॉ पहला कॉलम, तीसरी रॉ पहला कॉलम, तीसरी रॉ पहला कॉलम जब हटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, जल्दी से बताओ, टू माइनस फाइव जीरो और माइनस टू। टू माइनस फाइव जीरो और माइनस टू, ठीक है, जीरो और माइनस टू। अब देखो इसको सॉल्व करोगे आप, क्या बन जाएगा आपके पास, ये ए थ्री वन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस वन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, माइनस फोर और जीरो, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, प्लस फोर, सही है भाई। अब जल्दी से तुम लोग ए थ्री टू और ए थ्री थ्री निकाल के मुझे दिखाओ, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री निकाल के मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें, जल्दी से शाबाश, ए थ्री टू निकालो और ए थ्री थ्री निकालो जल्दी से। हाँ भाई, खतीजा के अलावा बेटा मिनाहिल, बरीरा, इजान, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ठीक है ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस वन और टू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ मैं, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्ट कर लें हम इसको फिर। हाँ भाई क्लियर है, चल तो फिर हम इसको डायरेक्ट करते हैं। वैल्यूज़ तो आप लोगों ने बता दी हैं सब ने, बस अब हम पुट करेंगे। ए थ्री टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी भाई, चलो ये दोबारा से तुम लोग मुझे बता देना, सही है। एडजॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा आपने, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सही है, पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ, इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसपोज, ए वन वन ए वन टू कितना है भाई, माइनस एट माइनस फाइव और फोर, माइनस एट माइनस फाइव और फोर, लास्ट क्या आया हमारे पास, एटीन है, उसके बाद ट्वेल्व है, उसके बाद माइनस सिक्स है, उसके बाद माइनस वन है। अभी आप लोगों ने जो दो निकाले उनका आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा है, अभी जो दो निकाले उनका आंसर मुझे बताइए क्या आ रहा है, वन, हाँ भाई माइनस वन, और क्या आ रहा है बेटा, माइनस वन और टू आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई ट्रांसपोज लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है ट्रांसपोज, रॉ को कॉलम और कॉलम को किस में लिख देते हैं बेटा, रॉ में लिख देते हैं, तो लिख दो बेटा इसको कॉलम में लिख लो, माइनस एट एटीन और माइनस वन, उसके बाद है माइनस फाइव ट्वेल्व और माइनस वन, इधर होगा फोर माइनस सिक्स और टू, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है जो हमने करना था, लेकिन जाहिर सी बात है पेपर में आता है तो ये पेपर में आपको आना चाहिए करना, ठीक है बेटा, सबको बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, नोट कर लें इसको फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई हो गया, नोट कर लिया सबने, आगे चलें, समझ आ गया एडजॉइंट सबको। तो एडजॉइंट का जो मंजन है ना वो इनवर्स में दोबारा इस्तेमाल होगा, और ये भाई प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रहेगा, जो तो लंबा काम है, ये अच्छा खासा लंबा काम है। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आगे चलो। अब अगली बारी आपके पास इनवर्स की, और इनवर्स में भी देखो कौन बैठा है, एडजॉइंट बैठा है सर। एडजॉइंट को जब तक आप डिटरमिनेंट से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक इनवर्स कैलकुलेट होकर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट का होना जरूरी है। अब अगर वो 2/2 है तो इनवर्स बड़े आराम से निकल जाएगा, 3/3 है तो एडजॉइंट अभी जैसे पीछे बताया है वैसे निकालोगे तो तुम्हारे पास इनवर्स की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये तरीका कार है किसको निकालने का, एडजॉइंट इनवर्स को निकालने का। ठीक है तो ये फॉर्मूला सारे नोट करो, फिर मैं तुम लोग को इनवर्स निकालना सिखाता हूँ। जल्दी से नोट करो सारे। और एक और बात भाई, इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है चलिए जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जी बेटा डन, ओके ओके बॉयज आगे चलते हैं। इनवर्स निकालना है भाई इसका, तो इनवर्स निकालने के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा ए 3 -2, 2 और -1, और इसका सबसे पहले निकालेंगे आप डिटरमिनेंट। सही है, कैसे निकालेंगे, 3 -2, 2 और -1। ठीक है इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, -3 -4, क्या वैल्यू आ गई बेटा, -3 + 4, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। सही है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपने निकालना है इसका एडजॉइंट। हाँ भाई एडजॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों की पोजिशन को चेंज करेंगे और बाकी दो का क्या चेंज करेंगे, साइन। सही है, ये दोनों चेंज होंगे तो -1 की जगह 3 और 3 की जगह -1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट की जगह पे क्या लिखोगे, -1 -2 2 और 3, और डिटरमिनेंट है 1। तो 1 से अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 -2 2 और 3। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। सही है भाई, तो ये कहलाता है इनवर्स आपके पास। ठीक है चलो जल्दी से नोट करो, सब बच्चों को समझ आ गया ये, जल्दी से बताओ, शाबाश। जी बेटा नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, चलो। हाँ भाई अनफाज बेटा लेट आ रहे हो तुम क्लास में, खैरियत? अच्छा भाई 3/3 का एडजॉइंट सबको निकालना आ गया, वालेकुम अस्सलाम। 3/3 का एडजॉइंट सबको आता है ना निकालना, तो अब इनवर्स आप इसका खुद से निकालिएगा। ठीक है हाँ चलो कोई बात नहीं, इनवर्स ये दिया हुआ है ना आपने, इसमें भी आपने सेम लॉजिक इस्तेमाल करनी है। पहले आपने एडजॉइंट निकालना है जो अभी मैंने आपको पीछे सिखाया, और उसको डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट भी 3/3 का इसी तरह निकालेंगे, और फिर आपके पास क्या होगा, एडजॉइंट से डिवाइड कर देंगे। जी बेटा आसान, क्या कह रहे हैं, कर लेंगे भाई ये सवाल, सबसे हो जाएगा पक्की बात है। एडजॉइंट अभी निकलवाया है ना शहजादे हसन, ये देखो ये वाला काम करवाया है ना, ये देखो ये वाला, ये एडजॉइंट वाला काम है सारा, ये देखो ये निकलवाया ना एडजॉइंट हसन अली। सही है बेटा मोहम्मद हसन अली, समझ आई बेटा बात? और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, फिर मैं इनवर्स निकलवा दूंगा। ठीक है हसन, ओके की रिपोर्ट है बेटा, आगे चल सकते हैं, जल्दी से बताओ सारे। ठीक है यही है, मैं करा दूं तुम लोगों को, तुम लोग परेशान तो नहीं हो गए? कौन सा बेटा, लास्ट स्टेप जहां वैल्यू पुट की है मैंने। चलो एक काम करते हैं, सवाल कर लेते हैं, आ जाओ पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3/3 का डिटरमिनेंट पिछली क्लास में सिखाया था भाई, याद है सबको? चलो चलो चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी थोड़ी सी, चलो इसको कर लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले ना आप इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखो 2 3 2 1 2 और 1 और 1 1 और 2। सही है, तो
तो अब आपने क्या करना है बेटा, टू से एक्सपेंड करना है, टू पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है और इस पे प्लस होता है, सही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, वो लास्ट स्टेप बता दूँ तो फिर बात समझ में आ जाएगी तुम्हें, ऐसा ही है। चलो इधर आओ, इधर आ जाओ। देखो ये किया क्या है हमने, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ना शहजादे, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये कॉलम में लिखी हुई है, तो ये रॉ में आ जाती है। बस ये कॉलम में लिखा हुआ शहजादे, ये भी रॉ में आ जाएगा, ये कॉलम में लिखा हुआ शहजादे, ये भी रॉ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। सही है, समझ आई बेटा हसन अली, बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ बेटा, शाबाश। ठीक है, कॉलम बनाना नहीं है, ये वैल्यू कॉलम में है ना, ये कॉलम में ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम इसको यूं लिख दोगे, -8 18 वर्टिकल लिखा हुआ है, तुम इसको हॉरिजॉन्टल लिख दोगे बस। तो ये जो कॉलम में लिखा हुआ है, ये किस में चला गया, रॉ में चला गया। सही है हसन अली, क्लियर है बात बेटा, सही है हसन बेटा, समझ आ गया बेटा, जल्दी से बताओ, शाबाश। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रांसपोज। अच्छा ये कहाँ से आया ये पूछ रहे हो आप, ये कहाँ से आया आप ये पूछ रहे हो, ऐसा ही है। अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ, देखो एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये एडजॉइंट का फॉर्मूला था, सही है। अब मैं समझाता हूँ, ये हमने पीछे निकाला था, देखो ये रहा a11, ये रहा a11, ये रहा a12, ये देखो ये रहा a13, और फिर हमने इसको यहाँ ले जाके पुट कर दिया, यहाँ पे a11 की जगह देखो -8 है, फिर -5 है, फिर 4 है, समझ रहे हो, ये चक्कर था। अब आया समझ में तुम्हें, क्लियर बात। ठीक है, तो ये हमने पीछे निकाला था और ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, ओके थैंक यू बेटा, आगे चलते हैं। चलो भाई अगला है आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेजन। सिस्टम ऑफ इक्वेजन क्या होता है हमारे पास, जहां पे आपके पास दो इक्वेजन हो, दो से ज्यादा हो या दो हो, तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेजन, SOE। सही है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेजन, सो वी यूज टू मैथड। अगर हमें इक्वेजन का सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, दो मैथड लगाते हैं, कौन कौन से, एक लगाते हैं हम क्रैमर रूल और एक हम लगाते हैं मैट्रिक्स मेथड। आपकी किताब में फिलहाल क्रैमर रूल दिया हुआ है, तो हम क्रैमर रूल पे जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया जाए, यानी कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो ये वेरिएबल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्रैमर रूल का सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मतलब क्रैमर रूल इज अ मेथड, हाँ जस्ट लाइक अ ग्राफ। ठीक है, तो क्रैमर रूल एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सही है। चलो इतना पहले लिख लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। एक सवाल है हमारे पास, हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड एंड क्रैमर रूल, दोनों से हम निकालने हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड से भी निकालना है और क्रैमर रूल से भी निकालना है। तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सिखा देता हूँ कैसे होगा, फिर क्रैमर रूल पे जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो बेटा इन्वर्जन मेथड के लिए जो है ना, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने ना इस दोनों जो इक्वेशन दी हुई है, मैं पार्ट वन आपको करा रहा हूँ, तो पार्ट वन में आपको दिया हुआ है 2x + 3y = 14, और ये यहाँ पे गलती है -4x + y = 28। आपने ये करना होता है कि आप जो है ना यहाँ पे पहले बनाएंगे एक डब्बा जो कि किसका होगा, जिसमें आप नंबर्स लिखेंगे, तो 2 3 और अगला -4 और 1। हाँ भाई देखो ये डब्बा सबको समझ आ गया कैसे बनाया मैंने, 2 और 3 लिखा x और y का कोफिशिएंट, फिर -4 और 1 लिखा, ये भी एक्स वाई का कोफिशिएंट, मतलब एक्स पहली रॉ में आ गया और वाई दूसरी, एक्स पहले कॉलम में आ गया और वाई दूसरे कॉलम में आ गया। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, जल्दी से बताओ। ठीक है, दूसरा डब्बा बनाओगे जिसमें होगा एक्स और वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक एक्स है दूसरा वाई है, तीसरा डब्बा बनाओगे जिसमें ये कॉन्स्टेंट होगा।
हाँ भाई, ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। पहले डब्बे में नंबर्स आएंगे, दूसरे डब्बे में वेरिएबल आएगा, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट आएगा। अब देखो बेटा, ये जो पूरा डब्बा है इसको हम लोग कहते हैं ये ए है, ये जो डब्बा है इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्स, और ये जो डब्बा है ये होता है बी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, एक्स की निकालनी है, बी की निकालनी है, कौन बताएगा? वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, एक्स की निकालनी है, बी की निकालनी है? शाबाश, गुड खतीजा। हाँ भाई बरीरा, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? हाँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए एक्स बराबर है बी के, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बी अपॉन ए कर देंगे। सही है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये बन गया ए इनवर्स इंटू बी। सही है बेटा, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, इक्वेशन नंबर वन। अब आपने यहाँ पे पहले ए इनवर्स निकालना है, ठीक है? ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, क्या करते हैं सर? पहले एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट पहले फाइंड करेंगे। देखिए ए का डब्बा आपका ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेगा ए इज इक्वल टू, सही है, कितना आ गया भाई, 2, 3, -4 और 1। सही है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2, -4, 3 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये 2 1 2 हो जाएगा, 3 4 का क्या होगा, 12 हो जाएगा माइनस का, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 40। सही है बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? सही है, चलो अब निकालना है आपने एडजॉइंट। क्या बताया था मैंने एडजॉइंट के लिए, इन दोनों की पोजीशन चेंज करोगे और इन दोनों का क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे। देखो भाई, यहां तक बात क्लियर सबको? जल्दी से बताओ, शाबाश सारे, सबको बात यहां तक समझ में आ गई? जल्दी से फटाफट से, यहां तक की बात सबको क्लियर? इजान, आयान, बरीरा, अनफास, हाँ भाई आलियान, बेटा सबको समझ में आ गया बेटा? यहां तक नोट कर लो पहले, आप यहां तक पहले नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन, आगे चलें? चलो बेटा, अब देखो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है हमने। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है भाई, तो इनवर्स का फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट, तो 1, -3, 4 और 2। और डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट हमारे पास आया था, कितना आया था भाई, 14। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सबके नीचे 14 आ जाएगा, 1 अपॉन 14, -3 अपॉन 14, 4 अपॉन 14 और 2 अपॉन 14। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कितना आ गया भाई, 1 बाय 14, 2 बाय 7, -3 बाय 14 और 1 बाय 7। सही है बेटा, ये आपके पास आ गया इनवर्स। अब हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू, है एक्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की जगह पे रखेंगे 1 अपॉन 14, -3 अपॉन 14, 2 अपॉन 7 और 1 अपॉन 7। और बी की जगह बी की वैल्यू, बी कहाँ है बेटा, ये रहा बी, 14 और 28। सही है भाई, अब आपने सो करना है मल्टीप्लाई, ये वाली रॉ चलेगी और ये वाला क्या चलेगा, कॉलम। 1 बाय 14 मल्टीप्लाई होगा किससे, 14 से, प्लस -3 बाय 14 मल्टीप्लाई होगा किससे, 28। मतलब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। सही है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 14 से 14 कट गया, 14 1 ज़ा 14, 2 ज़ा 28।
अब ये वाली वैल्यू फिर 2/7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 14 से, प्लस 14/28 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/7 इंटू 28। देखो 7 1 7 2 14, 7 1 7 4 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा कितना हो गया, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पे -6, तो 1 -6 हो गया ये, क्योंकि 3 2 क्या होगा -6, 2 2 कितना हो गया 4, और 2 2 4 1 कितना हो गया, ये भी 4। x की वैल्यू आ गई -5 और 8। अब बच्चों देखो x बराबर किसके है हमारे पास, x कॉमा y के बराबर है, तो x की जगह पे आ गया x और y, और यहाँ पे आ गया -5 और 8। तो मुबारक हो आप लोगों को, देखिए x की वैल्यू आ गई आपके पास -5 और y की वैल्यू आ गई 8। सही है भाई, सब बच्चों को समझ में आ गई बात, अनफास, अयान, बरीरा, इजान, क्लियर। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसकी वर्किंग होगी। तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन ये पेपर में आता है, और अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग को ही परस्यू करते हैं तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें आपके सामने दोबारा आएंगी। तो ये मतलब है एक चीज़, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलें इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। बेटा बायो इससे ज़्यादा मुश्किल है हसन, बायो इससे ज़्यादा मुश्किल है, और इससे ज़्यादा लंबी है, ये भी याद रखिएगा। बच्चे समझते हैं ना, इंजीनियरिंग से निकल के हम बायो ले लेंगे, बड़े आराम से निकल जाएंगे, उनको फिर लग पता जाता है बेटा इसको छोड़ के। ठीक है, चल इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है, साइंस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। कोई बच्चा इस बात को लेकर पीछे हट जाता है ना कि यार ये मुश्किल बहुत है, जब आप दूसरी फील्ड की तरफ जाएंगे ना तो उसमें आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल करके आगे जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं, है तो थोड़ा सा मुश्किल, तो जाहिर सी बात है जो काम मुश्किल होता है वो कम लोग करते हैं, जब कम लोग करेंगे तो उसकी मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है ना मार्केट में, वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना ये इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला मामला थोड़ा सा ये होता है कि मुश्किल तो है लेकिन काम थोड़ा सा आगे जाके आपको अच्छा जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड। चल हम लोग तो यहाँ पे मतलब फर्स्ट 9-10 में पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जब बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आता है ना तो उसको अचानक से शौक लगता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने 9-10 का कोर्स भी ऐसा कर दिया है कि वो झटका पहले ही लग जाता है उनको, तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अच्छी बात है कि बच्चों को समझ में आ जाता है भाई आगे जाके हमने इन चीज़ों को फेस करना है। ठीक है, चलें आ जाएं भाई, स्कूल खुल गए आप लोगों के माशाल्लाह से, आयान, बरीरा, स्कूल खुल गया, स्कूल जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, पढ़ाई स्टार्ट हो गई आप लोगों की, यहाँ का पढ़ाया हुआ काम आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, यहाँ जो पढ़ाया वो काम आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो अच्छी बात है, गुड है, सही है, गुड है। और ट्यूशंस वगैरह पढ़ रहे हो आप लोग, ट्यूशंस कोचिंग्स वगैरह पढ़ रहे हो? सही है, गुड है, ठीक है, बेहतरीन है भाई। यहाँ से आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, छाजाओं से सारे सब्जेक्ट तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसको क्लासेस को कंटिन्यू रखो, रेगुलर रहो, इसमें सारी चीज़ें आप कर लोगे, स्कूल और यहाँ का मामला मिला के आपका पूरा आराम से सेशन निकल जाएगा। ठीक है, और कोशिश करो बेटा और बच्चों को भी अपने साथ इंगेज करो इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो है ना आप लोगों की क्लास में और बच्चे होंगे तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है, कोशिश करो इसको, इस चीज़ को शेयर करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास मामला वो किसका है, वो है क्रैमर रूल का। ठीक है, अगला हमारे पास मामला है किसका, क्रैमर रूल का। इसी सवाल को हमने कौन से मेथड से करना है बेटा, क्रैमर रूल से करना है। अब ये सवाल हमारे पास क्या था, 2x + 3y = 14, क्रैमर रूल। आज क्या इंटरनेट का इश्यू हो रहा है क्या बच्चे, बार बार आप लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हो? इंटरनेट सही नहीं चल रहा क्या आज? सही, -4x + y = 28। अब इसको आपने क्रैमर रूल से निकला है। देखो बेटा इसमें ना सबसे, जब आप क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने ना डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सही है, तो पहला स्टेप क्या होता है इसका, डिटर्मिनेंट निकालना। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना पहले आप मैट्रिक्स लिखोगे यहाँ पर,
ए इज इक्वल टू टू थ्री माइनस फोर और वन, और इसका निकाल लोगे डिटर्मिनेंट। तो ये अभी निकाल भी चुके हैं हम लोग, टू वन सा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, फोर थ्री सा क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, तो वैल्यू आ गई 14। ठीक है, अब आपने ना दो काम करने हैं बहुत ही आसान आसान से, बहुत ही आसान आसान। ठीक है, पहले आपने निकालना है ए ऑफ एक्स, जब मैं नीचे एक्स लिखूंगा ना तो आपने पहले कॉलम को गायब कर देना है, ये गायब हो जाएगा, पहला कॉलम क्या होगा गायब होगा, और उसकी जगह ये कांस्टेंट ले लेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14 28, और ये वाला कॉलम वैसे ही कॉपी हो जाएगा। बताओ भाई ये वाली बात सबको समझ में आई, ए एक्स निकालते वक्त पहले कॉलम को क्या करोगे गायब कर दोगे, और उसकी जगह ये दोनों नंबर्स प्लेस हो जाएंगे। ठीक है भाई, आयान बरीरा इजान खतीजा, और अब दोबारा से आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। सही है, ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 28 को 3 से करो 84। हाँ भाई चेक करो, अब 14 में से 84 निकालो, देखो कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 14 में से 84 निकालो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताओ सारे। हाँ भाई 14 माइनस 84, जल्दी जल्दी भाई इतनी देर में तो मैं यहाँ कर दूंगा, 14 में से 84 निकालोगे। हाँ भाई बताओ जल्दी से जल्दी कितनी वैल्यू आ रही है, हाँ माइनस 70 आ रही है ना, चलो अब आप निकालोगे ए ऑफ वाई। हाँ भाई अब कौन सा कॉलम गायब करेंगे, पहले वाले में पहला कॉलम गायब किया था, अब कौन सा कॉलम गायब करेंगे जल्दी से कौन बताएगा, हाँ अब दूसरा गायब करेंगे पहला वैसे ही रहने देंगे, और दूसरा गायब करके फिर वही वैल्यू लिख देंगे 14 और 28, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया भाई ये 56 हो गया, माइनस 14 इंटू फोर माइनस 96 हो गया, ऐसे ही है, नहीं, सॉरी 56 हो गया। हाँ भाई यही बनेगा जल्दी से बताओ, 56 होगा ना ये 14 इंटू फोर, हाँ ठीक है, और 28 इंटू टू भी यही बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100, 112 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो भाई जल्दी जल्दी वैल्यू निकाल के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, माइनस 70 डिवाइड बाई 14 और 112 डिवाइड बाई 14, जल्दी से बेटा पहले वाले का आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ, माइनस 70 डिवाइड बाई 14 का क्या आंसर होगा, माइनस फाइव, 112 डिवाइड बाय 14 का आंसर निकालो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, एट आ गया भाई आंसर। ठीक है, माइनस फाइव और एट। अब एक चीज देखो तुम लोग, इसका आंसर भी कितना आया था, सेम आया था माइनस फाइव और एट का, सही है, पिछला वाला जो मेथड हमने लगाया था उसमें भी माइनस फाइव और एट आया था, और अभी भी क्या आ रहा है माइनस फाइव और एट आ रहा है, मतलब दोनों मेथड काम एक ही कर रहे हैं, दोनों का काम है क्या है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, जो कि वो निकाल के दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मेथड में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मेथड क्या करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, और आपने पेपर में जो मेथड दिया होगा उसके मुताबिक वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, अगर इनवर्स बोलेगा तो इनवर्स वाले तरीके से करेंगे, और अगर क्रैमर रूल बोलेगा तो क्रैमर रूल वाला तरीका लगाएंगे, तो ये तरीकाकार जो है आप याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो आपने मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपने फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो क्रैमर रूल को, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक 17 और एक हमारा 19। ठीक है चलो नोट कर लो इसको, चलो भाई हो गया नोट डाउन कर लिया सबने, आगे चलें। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, अब आपके पास अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है आपके पास, थ्योरी
थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और मतलब आप किसी भी लिहाज से इसको देखेंगे ना, ये चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सही है। तो ये अक्सर जो है ना आपके पास, ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब अगर किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता तो उसके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, पहले 20 करा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कराऊंगा मैं, ठीक है। ये लंबा भी है, काम भी ज़्यादा है इसके अंदर ना। देखें, सबसे पहली जो चीज़ है ना इसके अंदर, क्वाड्रेटिक को आप पहचानना सीखें कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे खास बात होती है ना, वो क्या होती है कि इक्वेशन जो है ना, वो आपकी जीरो के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सही है। इक्वेशन आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो ठीक है। और ये होता है इसका फॉर्मूला, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती क्या है, ये देखिए, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका बी होता है, कोफिशिएंट ऑफ सी आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म होता है। मतलब इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक कॉन्स्टेंट टर्म। और एक्सप्रेशन हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ये कहलाती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाती है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, सही है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस वजह से कहलाती है ये कि इसी फॉर्म में ना हम इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉर्म में इक्वेशन को नहीं लिखेंगे तो फिर ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम फॉर्म को पहले इस तरह सेट करें, सही है। किस तरह सेट करें? इक्वल टू जीरो के बराबर सेट करें, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा जीरो के बराबर होगी कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। इसके कितने आंसर आते हैं? इसके दो आंसर आते हैं। क्यों आते हैं? उसकी वजह ये कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वो टू होती है। हाईएस्ट पावर क्या होती है? टू होती है। तो इसके दो आंसर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि फॉर्मूले में प्लस और माइनस है तो इस वजह से दो आंसर आते हैं। फॉर्मूले में प्लस माइनस होने का मतलब ये नहीं है कि आंसर दो आएंगे। आंसर सिर्फ इसका इस वजह से दो आता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा पावर टू होती है। तो अगर दो आंसर आ रहे हैं तो मतलब पावर टू हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, डिस्क्रिमिनेंट को ना हम लोग किससे शो करते हैं? हम लोग इसको शो करते हैं डेल्टा से। ये नज़र आ रहा होगा तुम लोग को। तो ये डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट ना आपको सॉल्व किए बगैर ये बता देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है, सही है। मतलब आंसर या तो रियल होगा, या तो इमेजिनरी होगा, या तो इक्वल होगा। तो ये तीन कंडीशन आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है कि आंसर रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या फिर इक्वल होगा, सही है। इमेजिनरी, रियल और इक्वल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस चीज़ से पता चलता है? ये जो रूट के अंदर फैक्टर होता है ना, इससे आपको पता चलता है कि इक्वेशन का आंसर कैसा आने वाला है। अगर ये जीरो हो गया तो आंसर दोनों बराबर आएंगे। क्यों आएंगे सर? उसका रीज़न है मेरे पास कि देखिए, जब ये जीरो होगा तो माइनस बी अपॉन टू ए ये सिर्फ बचेगा, क्योंकि सब तो ख़त्म हो गया। ये अगर जीरो हुआ तो जीरो का रूट तो जीरो आ जाएगा, और जीरो के रूट जीरो आने का मतलब क्या है? आंसर आपके पास माइनस बी अपॉन टू ए होगा। तो आंसर तो सिर्फ एक आएगा, लेकिन वो आंसर होगा दो, दोनों दिखेगा सेम। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि प्लस माइनस ऑफ जीरो, तो आप कहेंगे ना सर माइनस बी अपॉन टू ए प्लस जीरो एक आंसर होगा, माइनस बी अपॉन टू ए माइनस जीरो दूसरा आंसर होगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर की बात करेंगे तो आपको नेचर कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सर, ये कहाँ से आया? ये रूट के अंदर वाला फैक्टर है जो कि आपको बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट मैं हूँ, सही है। मुझसे पता चलेगा कि तुम रियल हो, तुम इमेजिनरी हो, तुम इक्वल हो। ये बात सबको समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक कितनी तरह के आंसर देता है आपको? फर्स्ट वन इज रियल, सेकेंड वन इज इमेजिनरी, थर्ड वन इज इक्वल। तो तीन तरह के आंसर वो आपको देता है। क्लियर हो गई बात सबको? हाँ भाई, सही है, सबको समझ आ गया? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, बरीरा, हसान, इजान, खतीजा, जल्दी से बताओ बेटा, बात क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं?
आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिना इक्वेशन को सॉल्व किए ये बता सकता हूं कि इसका आंसर कैसा आएगा। इसके आंसर के नेचर कितनी तरह की है? तीन तरह की। फर्स्ट वन इज रियल, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज इक्वल। क्लियर हो गई बात सबको? चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। अगली कहानी देखिए। नाउ अब आपके पास स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़े का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कौन बताएगा? जीरो से बड़े का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कौन बताएगा बेटा? पॉजिटिव। मतलब अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या स्टेटमेंट देंगे कि रूट्स कैसे हैं बेटा? रियल एंड अनइक्वल। सही है, रियल एंड अनइक्वल। कब? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो कहता है अगर आंसर जीरो से छोटा आ गया, इसमें आंसर पॉजिटिव, इसमें आंसर क्या होगा? नेगेटिव। तो अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो आप बोलेंगे रूट्स आर नॉन रियल, इट मींस कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। मतलब आप या तो कॉम्प्लेक्स लिख दें या तो इमेजिनरी लिख दें, दोनों बातें बराबर है। कितनी कंडीशन हो गई? दो। पॉजिटिव होगा रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो हो गया तो आप बताएंगे रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल और इनकी वैल्यू होगी माइनस बी बाय टू ए। जैसे मैंने अभी आपको पीछे निकाल के दिखाया था कि देखिए जब आप जीरो कर देंगे उसको तो सिर्फ माइनस बी बाय टू ए बचेगा। ठीक है, तो जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो आप बोलेंगे रूट्स रैशनल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, और एक और बात, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल अदरवाइज इरेशनल। अब ये क्या बोल रहा है? देखो आंसर जो है ना पॉजिटिव दो तरह का होता है। ठीक है, 25 और 24 इन दोनों में क्या फर्क है? 25 और 24 में क्या फर्क है, कैसे डिफाइन करोगे, क्या बताओगे इनके बारे में? तो 25 जो होता है ना उसका रूट निकल कर आ जाता है। मतलब 25 का रूट क्या होगा? सिंपल 5 होगा, लेकिन 24 का रूट जो है वो पॉइंट में आएगा। तो अगर किसी नंबर का आंसर होल नंबर में आ रहा है रूट तो वो रैशनल कहलाता है, लेकिन अगर उसका आंसर होल नंबर में नहीं आ रहा पॉइंट में आ रहा है तो आप कहते हो इरेशनल। रैशनल इरेशनल समझ में आ गया सबको? रैशनल क्या होगा कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब रूट से बाहर निकल के होल नंबर दे रहा है तो वो रैशनल है, लेकिन अगर होल नंबर नहीं दे रहा तो फिर वो क्या होगा? इरेशनल होगा। बोलो भाई सबको बात समझ में आ गई? आयान, बरीरा, इजान, खतीजा, हसान, क्लियर बेटा? चार कंडीशन है, चारों को एकदम गले में तावीज बना के पहन लो। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट पॉजिटिव होगा रियल एंड अनइक्वल, नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। सही है, जीरो होगा रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। सही है, चौथी बार आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर है रूट होल नंबर में आ रहा है तो वो क्या होगा? रैशनल। अदरवाइज क्या होगा? इरेशनल। ओके, क्लियर सबको? चारों पॉइंट समझ में आ गए सारे? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्लियर है? चलो भाई जल्दी से चारों स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन लिखो फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा पहला सवाल है आपके पास, यूज डिस्क्रिमिनेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली बात, मेरी पहली बात को याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाते वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। तो मैं ए के बजाय बी पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, 3x² - 5x + 6 = 0। सही है बेटा? मतलब इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए? जीरो के बराबर होनी चाहिए। बताओ भाई इसमें ए की वैल्यू बताओ, ए की, बी की और सी की, जल्दी से शाबाश। ए, बी और सी की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा भाई? कौन स्मार्ट बच्चा है सवाल का जवाब देगा? जल्दी से शाबाश।
भाई क्वाड्रेटिक में एबीसी निकाला है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सी, सही है। अब आपने लगाना है फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू क्या था बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में रखोगे -5, ए की जगह में रखोगे 3 और सी की जगह में रखोगे 6। हाँ भाई -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 3 जा 12, 12 6 जा कितना हो गया 72। हाँ भाई 25 में से 72 निकालोगे कितना आंसर आएगा, 72 में से 25 निकालोगे कितना आंसर आएगा, 72 में से 25 निकालोगे 7 हो गया, 5 में 6 में से 2 गया 4 निकल गया, माइनस का 47। हाँ भाई कौन बताएगा कैसा नेचर है इसका, रियल है कॉम्प्लेक्स है इक्वल है क्या है भाई, जल्दी से बताओ कौन बच्चा बताएगा भाई, रियल कॉम्प्लेक्स या फिर इक्वल। हाँ शाबाश, रियल नहीं है बेटा हसान, देखो डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी है 0 से छोटी है हसान, 0 से बड़ी है 0 से छोटी है वैल्यू, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है 0 से छोटी है, तो डेल्टा लेस देन 0 होगा तो आप बताओगे रूट्स आर क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, नोट डाउन करो। ठीक है भाई सब बच्चों को क्लियर हो गया क्यों कॉम्प्लेक्स है, अगर आंसर में माइनस साइन आ जाए तो याद रखिएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, आंसर में प्लस है इसका मतलब रियल और अनइक्वल। चलो जल्दी से इसको नोट करो और ये सवाल मुझे करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से भाई कम ऑन बॉयज गर्ल्स जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई आंसर आ गया, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आया भाई, अरे हाँ भाई हसान इजान बरीरा क्या सूरत हाल है भाई, कहाँ तक पहुंचे, 49 आ रहा आंसर, तो बताओ ना क्या होगा नेचर क्या होगा इसका, रियल होगा सही है, 49 आ रहा आंसर पक्की बात है। चलो निकाल के देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू -6, तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। सही है 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49। हाँ भाई आंसर 0 से बड़ा हसान का जवाब आ गया बिल्कुल सही है बेटा, आप क्या लिखिएगा रूट्स आर रियल अनइक्वल। हाँ भाई ये रैशनल इरेशनल क्या होगा ये बताओ, ये नंबर रैशनल है इरेशनल है कौन बताएगा, रियल तो है अनइक्वल भी है रूट्स रैशनल इरेशनल, शाबाश अनइक्वल एंड रैशनल सही है बच्चों। तो ये इस तरीके से हमने रूट की नेचर को फाइंड आउट करना सीखना था, क्लियर हो गई सबको बात, सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई बिल्कुल सही से, तो ये हमारे पास कहलाता है नेचर ऑफ रूट को फाइंड करना। ठीक है चलो इसको नोट करना है तो नोट करो वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आगे चलते हैं। अच्छा भाई अब अगले सवाल में हमने कहा हमें कहा जा रहा है के की वैल्यू निकालें जबकि इक्वेजन के रूट का सॉल्यूशन सेम हो या डिफरेंट या रियल सोल्यूशन हो, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा इसके लिए डेल्टा क्या होगा और इसके लिए डेल्टा क्या होगा। हाँ भाई कौन बताएगा भाई, सेम सॉल्यूशन का मतलब होता है इक्वल सॉल्यूशन, उसके लिए डेल्टा क्या होगा, हमसे कहा जा रहा है के की वैल्यू निकालें सॉल्यूशन सेम हो, सेम का मतलब इक्वल हो, इक्वल के लिए डेल्टा क्या होता है ये बताओ, सेम या इक्वल के लिए डेल्टा क्या होगा। हाँ भाई सेम या इक्वल के लिए डेल्टा क्या होगा, मतलब कंडीशन लगाओगे ना, सेम सॉल्यूशन का मतलब इक्वल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ डेल्टा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा 0 से छोटा होगा 0 के बराबर होगा क्या होगा। सेम सॉल्यूशन, हाँ आसान बिल्कुल सही है,
चले मैं पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। यहाँ देखिए, आपको कौन सी वाली कैटेगरी की बात कर रहा है वो, सेम सॉल्यूशन या इक्वल सॉल्यूशन, कहाँ मौजूद है ये रहा। इक्वल सॉल्यूशन कब होता है भाई, जब डेल्टा आपका क्या होता है, जीरो होता है। और रियल सॉल्यूशन कब होता है, रियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा आपका जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो डेल्टा जीरो से जब बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, डिफरेंट या रियल सॉल्यूशन होंगे ये। इसके लिए क्या होगा बेटा, इसके लिए जो डेल्टा होगा वो जीरो से बड़ा होगा, और इसके लिए जो डेल्टा होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब भी आप रियल या इक्वल की बात करते हैं तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि रियल के लिए हमेशा डेल्टा जीरो से बड़ा या डिफरेंट, जिसको हम कहते हैं अनइक्वल का मतलब ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट को ना हम दो तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। डिफरेंट का मतलब अनइक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, सही है। डिफरेंट का मतलब अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। और सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब क्या होता है, सेम को भी हम लोग दो तीन मानों में पढ़ते हैं। रिपीट भी बोल सकते हैं आप इसको, और आप इसको इक्वल भी बोल सकते हैं। ये तीनों मतलब वो सैनोनियम्स होते हैं ना, उस तरह के वर्ड्स हैं, सेम इक्वल रिपीट, ये सारे एक ही नाम है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक का मामला सबको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है भाई। तो आप लोग जो है वो यहाँ तक क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया, इंशाल्लाह एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सब बच्चों को बात समझ में आ गई, जल्दी से मुझे एक रिप्लाई कर दो सारे, शाबाश फटाफट। बरीरा, अयान, खतीजा, महिबा, सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है, क्लियर है सबको, सही है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें, भारी भारी चीज़ें कर ली हैं, जैसे इनवर्स विनवर्स निकालना आज हमने सीख लिया है। तो इंशाल्लाह आगे जाके ये चीज़ें और मज़ीद जो है ना, मतलब इसमें तो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन जो मुश्किल काम था वो हमने कर लिया है, ठीक है भाई। तो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।